गाजा में युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है, अगर इसराइल को अकेले खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया तो वो अकेले खड़ा रहेगा, लेकिन अपनी आत्मरक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद की, जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा के दक्षिणी शहर राफा पर हमले के लिए वॉशिंगटन इसराइल को आक्रामक हथियार नहीं प्रदान करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के वार्षिक होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे पर एक उग्र भाषण में कहा, दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आज यरूशलेम से प्रतिज्ञा करता हूं, अगर इसराइल को अकेले खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो वो अकेला खड़ा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर में अनगिनत सभ्य लोग हमारे उचित उद्देश्य का समर्थन करते हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि हम अपने नरसंहारक दुश्मनों को हरा कर रहेंगे। इजरायली पीएम ने कहा कि 80 साल पहले होलोकॉस्ट में जब यहूदी उनके सामने यानी पूरी तरह असहाय थे तो हमारा विनाश चाहते थे, तब कोई भी देश हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आया था। आज हम फिर से हमारे विनाश पर आमादा दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। मैं दुनिया के नेताओं से कहता हूं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच का कोई भी दबाव, कोई भी फैसला इसराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोक पाएगा। अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़ेगा तो हम अकेले खड़े रहेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास नाखूनों के अलावा भी बहुत कुछ है। योम हाशोआ वो दिन है जिसे इसराइल नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा नरसंहार में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों की याद में मनाता है। इस दिन का पूरा नाम योम हाशोआ वे हगेवुरा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रलय और वीरता का दिन। आपको बता दें, 7 अक्टूबर 2024 को हमास के करीब 2500 लड़ाके गाजा पट्टी पार करके इसराइली सीमा में घुस आए थे और कत्लेआम मचाया था। हमास के हमलों में कम से कम 1200 इजरायली मारे गए और 240 नागरिकों को बंधक बनाया गया, जिनमें कुछ विदेशी भी शामिल थे। इसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और गाजा पट्टी को खंडर में बदल दिया। इजरायल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और इसी लक्ष्य के साथ गाजा में हमास के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अब उसने गाजा में अपना ऑपरेशन समाप्त करने के बाद राफा शहर पर हमला बोला है। इजरायल का कहना है कि हमास के शीर्ष कमांडरों ने यहां पनाह ले रखी है और वो उन्हें ढूंढकर खत्म करेगा। गाजा युद्ध में अब तक 35,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और लाखों विस्थापित हुए हैं। अमेरिका राफा में इजरायली ऑपरेशन का विरोध कर रहा है, उसका कहना है इस क्षेत्र में मानवीय संकट और बढ़ेगा।